सो हाई एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्षा। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप 70-80% एक्सपेक्ट कर रहे हो सी मैट के अंदर, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एग्जामिनेशन, अगर आपके बाकी एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं खराब हो चुके हैं, देन दिस एपिसोड इज फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड दिस इज मी आर्षी एंड आई थिंक जब हमारा 70-80% आता है, हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिलेगी जो यहाँ पे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी मेंशन कर रखा है जो कि एक्सेप्ट करता है, विच इज इन बैंगलोर। देन डॉक्टर डी वाई पाटिल है, राइट, एक्सेप्ट करता है, बट आप इसको 70 से कम पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके सी मैट में है। देन यहाँ पे IIMS गाजियाबाद मेंशन है, ये भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे डी वाई पाटिल मुंबई मेंशन है, बट अगर आप पुणे भी अप्लाई करना चाहो 70 से कम पे, इवन 50% पे मुंबई वाला कैंपस का, तो डी वाई उतना नोन भी नहीं है। IIMS गाजियाबाद है, राइट, ये कहीं ना कहीं 6.5-7 लाख का एवरेज पैकेज है। 70-80 की लिस्ट में मिल जाएगा आपको। जिम्स का रोहिणी मिल जाएगा, IBA का बैंगलोर मिल जाएगा, एम्स पुणे मिल जाएगा, 70-80% पे। देन इंदिरा का PGDM मिल जाएगा 75% पे, अगर हम बात करें जयपुरिया का इंदौर, जयपुर, लखनऊ एंड इवन नोएडा वाला कैंपस मिल जाएगा। देन जाइम है बैंगलोर का, ये आपको मिल जाएगा 70-80% पे, एंड इसका एवरेज पैकेज जाइम का नियर अबाउट 9 लाख का है। बट इसके अलावा भी पहले जैसे कि इसमें कुछ कॉलेजेस है जो आपको कम परसेंटाइल पे, ये आपको 50% और इवन लेस देन 50% पे भी मिल जाएगा। जयपुर या इसके लिए मिनिमम 50 तो चाहिए, अदर देन आपके इंटरव्यू में आप कैसा परफॉर्म करते हो ये होलसम पर डिपेंड करेगा। जाइम के लिए कम पे भी हो जाता है अगर प्रोफाइल अच्छी है, बट अदरवाइज 70-75% आपके आसपास होना चाहिए। देन इसके बाद अगर हम बात करें जिम्स रोहिणी 70-80% विद 65 ऑल्सो यू कैन अप्लाई। IBA 50% पे भी हो जाएगा, राइट। एम्स आई थिंक ये 30% पे भी हो जाएगा जो आप गूगल पे कहीं ना कहीं लिस्ट देख रहे होते हो। एंड इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटीज पे भी आप 60 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। डीवाई पाटिल 10% पे भी अप्लाई कर सकते हैं। IIMS 20% पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के कहीं ना कहीं कॉलेजेस हैं जो 70-80% पे दिए हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट जिनके कम परसेंटाइल है उन्हें लगता है कि मैं तो अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज ये कॉलेजेस मुझे कहीं ना कहीं मिलेंगे ही नहीं। तो उनके लिए एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप भी सेम सिचुएशन में हैं तो उसके अलावा कई सारे कॉलेजेस हैं जो आप 70-80% पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जाइम क्राइस्ट तो यहाँ पे दिया था, मुंबई में कॉलेज है कॉल्ड ITM, राइट। अगर आप मार्केटिंग देख रहे हो, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा इंटेक ज़्यादा है, मैं हमेशा ये कहती हूँ एक कॉलेज अच्छा है बुरा है ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। आपकी एक बी स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका अकेडमिक्स कैसा है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अबव एवरेज स्टूडेंट हो, ये बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे रहता है। अगर आपको अपनी पर्सनलाइज प्रोफाइल पे कॉलेजेस जानने हैं, स्टूडेंट से कनेक्ट करना है, उन कॉलेजेस की अंदर की बात जाननी है जो वेबसाइट्स पे नहीं मिलती हैं, तो नीचे फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। नर ITM के बाद अगर आप चाहो तो आप SIS मुंबई, राइट, इसका MMS के लिए 99% कट ऑफ जाता है। PGDM आप 70-80 पे अप्लाई कर सकते हैं। देन मुंबई में एटलास है, आप अप्लाई कर सकते हैं। MET है, आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप। IBS बच्चा अप्लाई करता है, इसका भी इनटेक ज़्यादा है, बट 70-80% है, इन इवन लेस देन लेस परसेंटाइल अप्लाई कर सकते हैं। UBS है जो अब यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी हो गया है। अब इस लिस्ट को मैं और ऐड करूं और पुणे पे जाऊं तो पुणे में बच्चा बालाजी अप्लाई कर सकते हैं, विथ 70-80 से लेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप चाहो तो इंडस पुणे देख सकते हो, इंडस के साथ चाहो तो आप ISBNM बच्चा का ही देखता है, PIBM देखता है, RIM देखता है, ठीक है। RIM के अलावा अगर हम बात करें तो किर्लोस्कर है, लेक्सिकन है, इंदिरा है, कई बच्चा IIMP IISBS भी देखता है। ये सारे कॉलेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई पुणे की लिस्ट। अब हम पुणे की लिस्ट से अगर हटते हैं, बैंगलोर पे जाते हैं, ISBR हो गया, राइट, उसके अलावा अलायंस हो गया, IIBS कई बच्चा अप्लाई करता है, विद 70 से कम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ISME है, राइट, एंड देन इसके अलावा
और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आप बैंगलोर में, अगर आप यू नो हैदराबाद में स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो आप आईटी हैदराबाद, आप जिस रांची अप्लाई कर सकते हैं सीमैट 70-80% पे, राइट। ये एचआर के लिए नोन कॉलेज है, मार्केटिंग फाइनेंस उतना नोन नहीं है, राइट। उसके अलावा अगर आपको यू नो और कॉलेजेस देखने हैं तो आप और भी कई सारे कॉलेजेस अलग अलग लोकेशन पे जो हैं वहाँ पे इस परसेंटाइल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी सीमैट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि भोपाल में एमपी में एक कॉलेज है कॉल्ड IMSDAVV, आप उसको 70-80% पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद यू नो ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, NITs हैं जो सीमैट एक्सेप्ट करते हैं, आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल सो मेनी कॉलेजेस आर देयर विद 70-80% एंड कई सारे कॉलेजेस हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 70 से कम पे भी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स आपका 30 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन और प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल दी कॉलेजेस व्हाट यू कैन कीप इन योर लिस्ट, बट जस्ट दैट नाउ यू नीड टू सी कि कौन से कॉलेजेस आपको लेने चाहिए कौन से नहीं। जैसे अगर आप NCR में सॉइल है, राइट, BML है, OP जिंदल है, बच्चा IBS भी देखता है गुड़गांव, ठीक है, ILM है, ठीक है, ILM के साथ साथ बिमटेक है, बिमटेक के कई तो ये सारे कॉलेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लुक एट योर प्रोफाइल, व्हाट यू आर लुकिंग फ्रॉम अ कॉलेज एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अप्लाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कोई हेल्प लगती है, नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। डू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड ऐसी वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।